कोटेदार की लापरवाही व दबंगई से ग्रामीण है त्रस्त। कब चलेगा कोटेदारों के ऊपर बुलडोजर? जी हाँ, इस समय यूपी में बुलडोजर का बहुत ही चलन है। ऐसे में हर कोई अब ये चाहता है कि जो भी भ्रष्ट है उनके ऊपर बुलडोजर चले। मामला है प्रयागराज का, जहाँ प्रयागराज जनपद के कौंदियारा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा हथिगनी में गरीबों के राशन के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है। कोटेदार व सप्लाई विभाग की मिलीभगत से प्रति राशन कार्ड पर 2 किलो कम वजन देने की कहानी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कोटेदारों के हाथ सुनने को मिल रहा है और हमेशा अखबारों में देखने को मिलता है। और ग्राम प्रधान व ग्रामीण कोटेदार के खिलाफ शिकायत भी देते हैं तथा 1075 आदि पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोटेदार के खिलाफ जाँच करना व कोटा निरस्त करने में हिला हवाले कर तथा शिकायत को दबा देते हैं और ग्रामीण परेशान व थक हार के चुप हो जाते हैं। कोटेदार कहते हैं, फ्री का पा रहे हो तो चिल्लाते क्यों हो? चुपचाप लेना चाहते हो तो ले लो, वरना कोटे पर राशन लेने मत आना। फ्री का खाते हो, चिल्लाते भी ज्यादा हो और गाली तथा मारपीट पर आमदा हो जाते हैं। आखिरकार प्रधान ने जब कोटेदार पर दबाव बनाते हैं तो कहते हैं कि तुम भी दूध के धुले नहीं हो, सभी जगह जनता के साथ ही भ्रष्टाचार होता है। ऐसा क्यों? कब जागेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? अब तो हथिगनी ग्राम सभा की महिलाओं ने भी न्याय की गुहार लगाना शुरू कर दिया और राशन विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि हथिगनी ग्राम सभा के कोटेदार की जांच करते हुए कोटा निरस्त करने की मांग की। और जनता की मांग है कि बाबा का बुलडोजर आखिरकार कोटेदारों के ऊपर कब चलेगा? क्या सिर्फ गुंडे और माफियाओं के अलावा कोटेदारों पर नजर नहीं आती? टीवी इंडिया 3 जिला संवाददाता हरिशंकर कुशवाहा की खास रिपोर्ट। नहीं, और सारे लोग बोले कि क्या ये बात सही है भैया? क्या ये बात सच है? सारे लोग बताइए या सत्य है, हाथ उठा कर बताइए। सही बात है तो ये आप लोग कितना दिन तक ऐसे बर्दाश्त करके रहोगे? जैसे ये सरकार योगी मोदी राज्य में ये दिया गया है कि महीना में गरीबों को 2 बार दाल, 2 बार चावल, 2 बार गेहूँ, 2 बार रिफाइंड, ये सब चना उना क्या हो रहा है? देवाऊ करे तो जौन बा खाली गेहूँ चावल दे दे, कहे कि ना चना आए ना दाल आए ना कोनो चीज आए। 5 किलो में कितना कम देते हो तो कुछ देते हो? 5 किलो में 3.5 किलो देता ही। 5 किलो में 3.5 किलो, 3.5 किलो। अच्छा, 1.5 किलो काट देता, 1.5 किलो काट देता। 5 किलो 20 किलो में 15 किलो, 5 किलो वो घोटालेबाजी कर रहा है। अरे भाई वो तो नहीं तो भवा, 5 किलो में 1.5 किलो कम है तो उतना ही तो है। 15 किलो हमारे यहाँ। प्रधान जी, जैसे ये कोटेदार आपके यहाँ के गरीबों को राशन नहीं वितरित कर रहा है, इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव के जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष हो, इसके अंदर इतनी बड़ी कमियां हैं कि महीने में 2 बार राशन बंटना चाहिए। तेल, रिफाइन, चना, नमक जो भी है सिस्टम सरकार की तरफ से, ये महीने में 1 बार भी नहीं देता और नशा 24 घंटा किए रहता है। एकदम गुंडे गर्दी दबंगई जैसी भाषाएं उसकी चलती है। क्यों भैया, सही है? तो हम सरकार से ये कहेंगे, अपने अधिकारियों से ये कहेंगे, इस पे उचित जांच करके उचित कार्रवाई करने की कोशिश करें। नहीं, ये हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, SDM साहब के पास हम सारे लोग चलेंगे, धरना देंगे, जरूरत पड़ेगी DM साहब के लगे भी चलेंगे। हम गरीबों के साथ ये अन्याय हो रहा है। आपको न्याय जरूर मिलेगा प्रधान जी। जी जी भैया, ऐसे भ्रष्ट कोटेदार को ऐसे सरकार यहाँ से कोटे उसका कोटा छीन लेना ही अच्छा है। इस सरकार में अगर हम लोग के न्याय नहीं मिला तो फिर हम लोग उम्मीद छोड़ देंगे गरीब आदमी। इतनी बढ़िया बेहतरीन सरकार योगी आदित्यनाथ के हमारे है और इतने कड़ाई के बाद भी इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है, इस पे बिल्कुल एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं मुरारी लाल पटेल और ग्राम सभा वर्तमान प्रधान, ये मेरा वो कौन सा ग्राम सभा है प्रधान जी? हथगनी ग्राम सभा। ठीक।